नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के माननीय सदस्य, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, समस्त नागरिकों और छोटे बच्चों, आज भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर और 76वें वर्ष में प्रवेश करने के लिए मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह आज़ादी हमें अनेक महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के बलिदानों से मिली है और आज़ादी के बाद मातृभूमि की सीमाओं पर रक्षा करते हुए शहीद होने वाले सैनिकों को भी हम नहीं भुला सकते, जिन्होंने इस आज़ादी की रक्षा में अपने प्राणों का समय समय पर बलिदान दिया है। आज का दिन हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हुए ईमानदारी, परिश्रम और बुद्धिमानी से कार्य करने को प्रेरित करता है, जिससे हमारा देश लगातार उन्नति के साथ प्रगति करता रहे। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद जो नागरिकों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए एक स्थानीय निकाय है, उसके रूप में हमारा ये महत्वपूर्ण दायित्व है कि हम अपनी कार्य प्रणाली और कार्यशैली से यहाँ के नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराएं। इस कड़ी में आज मैं पालिका परिषद की पिछले वर्ष के दौरान की कुछ उपलब्धियों का वर्णन करना चाहता हूँ। NDMC को पिछले वर्ष भारत सरकार के शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 से 3 लाख जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में सर्वप्रथम रैंक हासिल हुआ। साथ ही साथ गार्बेज फ्री सिटी के लिए 5-स्टार रैंक, पानी की बचत और सही इस्तेमाल के लिए वाटर प्लस सर्टिफिकेट और प्रेरक दौर सम्मान के अंतर्गत प्लैटिनम सिटी में दिव्य जैसे सम्मान प्राप्त हुए, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पालिका परिषद अपने काम में अत्याधुनिक तकनीकों को का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें IT तकनीकों से जनता तक सेवाएं उपलब्ध कराना मुख्य लक्ष्य रखा गया है। आपको मालूम है कि इसके अंतर्गत हमने पिछले वर्ष तक करीबन 49 सेवाओं को इंटीग्रेटेड, हमारा जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, से उसे जोड़ा गया है और कुछ नए पोर्टल और ऐप भी चालू किए गए हैं। इसमें मुख्य हैं प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल, NDMC शौचालयों के लिए मॉनिटरिंग पोर्टल, सिंगल साइन ऑन सॉल्यूशन, जन सुविधा पोर्टल और जो हमारे 49 स्कूल हैं उनके नए वेबसाइट का हमने निर्माण किया है। मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि पालिका परिषद को सीमलेस डिलीवरी ऑफ सर्विसेज विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के लिए इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। पालिका परिषद क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक को इस्तेमाल कम करते हुए उसे बंद करने के लिए हम अनेक उपाय कर रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक लाओ थैला पाओ के लिए कियोस्क बनाए गए हैं, अनेक जन जागरूकता कार्यक्रमों हम मार्केटों में, आवासीय कॉलोनियों में, स्कूलों में और सार्वजनिक स्थानों पर हम चला रहे हैं, ज़ीरो वेस्ट इवेंट करने के लिए गाइडलाइन जारी की जा चुकी हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बैन करने का रोड मैप तैयार किया गया है। नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों के समाधान करने के लिए पालिका परिषद द्वारा जन सुविधा कैंप हर महीने के दो बार लगा रहे हैं। इसके साथ साथ जन सुविधा पोर्टल भी चालू किया गया है। इसके माध्यम से कोई भी नागरिक, कर्मचारी और इस क्षेत्र में पालिका परिषद की नागरिक सेवाएं लेने वाले कोई भी उपभोक्ता अपनी समस्याओं का समाधान आमने सामने बैठकर अधिकारियों के से बातचीत करके प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में
जहां 49 स्कूलों के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है, वहीं स्मार्ट क्लासेस के द्वारा शिक्षा देने के लिए बच्चों को टैबलेट दिए जाने का कार्य प्रगति पर है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अनेक कार्यक्रमों को हम शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए चला रहे हैं, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके, जो आगे चलकर राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने योग्य बन सके। पिछले दो वर्षों के दौरान कोरोना महामारी का प्रभाव होते हुए भी पालिका परिषद ने वर्ष 2021-22 के वित्त वर्ष में करीबन 534 करोड़ रुपए का नेट सरप्लस राजस्व अर्जित किया गया है, जो किसी नगर निकाय के लिए एक कीर्तिमान है। इन सभी के साथ साथ पूरे वर्ष स्वच्छता अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग कम करने का अभियान, आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा अभियान जैसे कार्यक्रम हमने बहुत किए गए हैं। और पिछले इंपैक्ट आपको आपने देखा होगा, पिछले एक महीने में हमने बहुत ज़ोर शोर से इस कार्यक्रम में हमने पार्टिसिपेट किया है और योगदान दिया है। इन सभी उपलब्धियों के लिए मैं टीम NDMC के उन सभी सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से इन उपलब्धियों में अपना सहयोग दिया।